सोचिए दोस्तों, उस महिला पर क्या गुजरी होगी जब उसने शादी के मात्र 9 महीने बाद अपने पति की मृत्यु की खबर सुनी होगी। सोचिए उसे कितना बड़ा धक्का लगा होगा जब उसके नए जीवन की शुरुआत में ही उस लेडी का बेटर हाफ दुनिया से चला गया हो। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही हुआ 27 वर्षीय निकिता कौल जी के साथ, जिनके पति शौर्य चक्र से सम्मानित मेजर विभूति दोंदियाल जी का निधन 2019 में पुलवामा अटैक के दौरान कायर आतंकवादियों से लड़ते हुए हुआ। इन दोनों की शादी 2018 में हुई थी और मात्र 9 महीने बाद ये अप्रिय घटना हुई। ऐसा सदमा किसी भी महिला को अंदर से झंझोरने के लिए काफी है, लेकिन निकिता जी ने इस सदमे को अपनी ताकत बनाया और अपने पति की मृत्यु को ट्रू एंड फिटिंग ट्रिब्यूट देने का फैसला लिया। गाइस, निकिता जी ने मल्टीनेशनल कंपनी की जॉब छोड़ पति को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए उन्होंने आर्मी ज्वाइन करने का प्रण लिया और शॉर्ट सर्विस कमीशन का एग्जाम क्लियर कर फिर 49 वीक्स की ट्रेनिंग पूरी कर 29 मई 2019 को एज अ ल्यूटेनेंट बनकर पूरा किया। दोस्तों, महिला शक्ति का इससे बेहतर उदाहरण क्या होगा? लेफ्टिनेंट निकिता जी देश की सभी महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन बनी। सो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू गाइज़।